जो फुलपरास थाना अंतर्गत जो कुख्यात अपराधी है सुनील यादव, उसकी सरगर्मी लगातार तेज हुई है उस थाना क्षेत्र में। और उसमें 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 जो ये पता लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो उप मुख्य पार्षद की चुनाव लड़ने के लिए लगातार इसी के लिए वो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय है और लोगों को डरा धमका रहा है ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए वोट करने के लिए। इसी कड़ी में मैंने SDPO फुलपरास के नेतृत्व में SDPO फुलपरास CI फुलपरास के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जिसमें SHO फुलपरास और STF की टीम भी थी और हमारी टेक्निकल टीम थी, टेक्निकल DIU की टीम थी। इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। 3 दिनों से लगातार हम लोगों का ये प्रयास चल रहा था। उसी क्रम में कल पता लगा कि ये जो अपराधी है वो कल अपने घर पे आया हुआ है। उसको तुरंत हम लोगों की टीम जो है वहाँ पे छापेमारी करने पहुँची। वहाँ पे ये कुछ और अपराधियों के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही पुलिस की टीम को देखा उसने उसकी टीम उसकी तरफ से फायरिंग की गई पुलिस पर, जिसके जवाब में STF के जो थे हमारे पदाधिकारी उनकी तरफ से हवाई फायरिंग एक की गई और उसके बाद इनको घेर कर उनके घर में ही पकड़ा गया। पकड़ने के बाद 5 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हुई उसमें, जिसमें सुनील यादव एक खुद है, संतोष यादव, वीरेंद्र यादव, अविनाश यादव और 5वां जो है लोचन यादव और रामलोचन यादव। उनके पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 17 गोली जो जिंदा गोली और एक खोखा और 3 मोबाइल बरामद हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि सुनील यादव जो है ये बहुत कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर 2002 से मामले संगीन मामले दर्ज हैं और टोटल इसके ऊपर 33 केस अभी तक केवल फुलपरास थाने में दर्ज हैं। इसके ऊपर काफ़ी गंभीर मामले जैसे लूट, डकैती, हत्या, सबके केसेस दर्ज हैं ऑलरेडी। जो दूसरा कुख्यात अपराधी है रामलोचन लोचन यादव, इसके ऊपर माननीय DGPP महोदय के द्वारा इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया हुआ था। उसके ऊपर भी लगभग 9 केसेज हैं जो कि पहले से दर्ज हैं इसके ऊपर। बाकी जो 3 और हैं उनकी आपराधिक इतिहास हम लोग को अभी पता नहीं चला, उसको हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पुलिस टीम के द्वारा, SDF की टीम के द्वारा मिलकर ये कार्रवाई की गई है। इसके लिए मैं अपने DGP महोदय को इनको पुरस्कृत करने के लिए भी अनुशंसा करूँगा। जी अजय नगर।